वैशाख व्रत वाली बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे कभी भी फटाफट बना के एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ गैस पे एक मोटे तले का कढ़ाई रखे हैं। कढ़ाई हमारा हल्का गर्म हो चुका, अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी साबुदाना। आप यहाँ कोई भी साबुदाना यूज कर सकते हैं, मोटा वाला या पतला वाला हमारे पास। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ भूनते हुए 2 मिनट हो चुका, इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है। अच्छे से ये गर्म हो चुका है, देखिए हाथ से इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे एकदम ठंडा कर लेंगे। यहाँ एक मिक्सी का जार ली है, साबुदाना हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब सभी को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे ऐसे ही सूखा ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर जैसे बना लेंगे। देखिए यहाँ अच्छे से पीस के तैयार हो चुका। मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए हम पीसे हैं इसे, लगातार मत चलाइएगा। यहाँ गैस पे एक कढ़ाई रखे हैं, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी पानी। जिस कटोरी से साबुदाना लिए थे उसी कटोरी से पानी डालेंगे। पानी यहाँ गर्म हो चुका, अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, ये हमारा काला नमक है जो व्रत में खाया जाता है। आधी छोटी चम्मच जीरा, इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब जो साबुदाना को हम सूखा ग्राइंड कर रखे थे वो सबको इसमें डाल देंगे, चाहे तो इसे छान के भी ले सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब ये आटा डालेंगे हम साबुदाना वाला तो कम लग रहा है, थोड़ा सा और हम डालेंगे। हम ज़्यादा एक बार में नहीं डाले थे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। गीला होने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, तो यहाँ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा डो एकदम चिकना हो जाएगा। कितना अच्छा से एकदम पैन छोड़ दिया घी डालने से, एकदम डो की तरह बिल्कुल बन के तैयार हुआ। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए यहाँ डो अच्छे से ठंडा हो चुका है और कितना नरम हुआ है। ऐसे ही साबुदाना थोड़ा चिपकती है, इसीलिए भी थोड़ा सा चिपक रहा है। थोड़ा सा सूखा आटा बचा लिए थे बेलने के लिए, अब इसका हम लोई तोड़ेंगे। देखिए इसमें 3 लोई हुआ है बड़ा साइज। अब एक लोई लेंगे, इसमें ही थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। अब इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, इसका किनारी थोड़ा फटेगा, एकदम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। अब एक कटोरी या ग्लास लीजिएगा जिसका धार एकदम शार्प हो, अब उसी से इसको हम गोल गोल कट कर लेंगे। हम सभी पूरी को हम निकाल लेंगे। इसी तरह सभी को बेल करके और कट करके हम तैयार कर लेंगे। यहाँ गैस पे एक मोटे तले का कढ़ाई रखे हैं, इसमें डालेंगे हम घी। आप चाहें तो यहाँ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसीलिए इसमें घी डाल रहे हैं। सभी पूरियों को हम बेल करके ग्लास से कट करके तैयार कर लिए हैं। घी हमारा गर्म हो चुका, अब इसमें कट किए हुए पूरियाँ डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी फूल रही है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है, देख रहे हैं। लीजिए हमारा व्रत वाली मस्त सी एकदम फूली फूली करारी करारी पूरियां बनके तैयार हो गई। लग रहा है ना कितना मजेदार, देख रहे हैं। इसको देख के कोई कहेगा ही नहीं कि आप इसे साबुदाना से बनाए हैं, और खाने में भी बहुत मजेदार लगेगा। आप इसे व्रत वाली चटनी या दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या ऐसे भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें हम व्रत वाली नमक डाल करके बनाए हैं, खाने में बहुत यम्मी लगेगा। यदि आप लोगों का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें।